अपनी अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से सटे हुए दर्जनों गांव के किसानों की चिंताएं अब लॉकडाउन के चलते बढ़ने लगी हैं, क्योंकि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुकी है और अब इस फसल को काटने के लिए ना तो मशीनें पहुंच रही हैं ना ही मजदूर मिल रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ दिनों तक फसलें नहीं काटी गयी तो खुद ही फसल झड़ कर खेत में ही गिर जाएंगी, जिसके चलते गाँव के ही कुछ लोग धीरे धीरे कर खुद ही अपनी फसल को काटने में लग गए हैं। वही फसल को मशीन से निकालने की चिंता भी अब सताने लगी है, क्योंकि अभी तक इन गांव में मेवात से लोग और मशीनें पहुंचती थी, मगर अब इन गांव के किसानों ने मेवात के लोगों को बुलाने से मना कर दिया है। निजामुद्दीन प्रकरण के बाद पूरा ग्रेटर फरीदाबाद का किसान डरा हुआ है कि अगर उन्होंने मेवात से लोगों को अपने अपने गाँव में गेहूँ निकालने के लिए बुलाया तो कहीं ना कहीं उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है। जो माहौल देश का है, जो अब ये निजामुद्दीन में कांड हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा जो थ्रेसर आती हैं वो मोमडन होते हैं, तो उनसे अब ये वो जो साथ में लेबर आती है वो 7-6 लोग होते हैं। माहौल को देखते हुए वो भी अब हमें बहस आने लगा है और अब हमें इंतज़ार रहेगा कि अब हमें कब तक कंबाइन मिल पाती हैं, क्योंकि उस पर मैन पावर जो है वो कम होती है। आदमी एक रहता है, एक हेल्पर रहता है, और जो भूस बनाने वाली मशीन है उस पर भी एक या दो आदमी अलग अलग दूरी से काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब इंतज़ार देखना पड़ रहा है कि हम तक कब कंबाइन पहुंचेंगी और कैसे हमारी फसल कटेगी, ये चिंता का विषय है किसान के। निजामुद्दीन जो प्रकरण सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं मेवात से उसके तार जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि मेवात से एक मरकज जो ये तबलीगी मरकज है वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, तो अब कहीं ना कहीं फिर आप यहाँ के किसान भी उसी से डर गए कि कहीं ना कहीं वो बीमारी यहाँ तक ना पहुँच जाए। बिल्कुल भय है किसानों में, क्योंकि वो जो लोग आएंगे 7-8 लोग आएंगे वो किस तरह के होंगे, वो हमारे जान पहचान के तो होते नहीं, हर साल आते हैं लेकिन लेबर अलग अलग आती है, उनमें किस तरह का रोग है क्या है, मतलब वो इस टाइम हमें किसानों को इस बात की चिंता है। तो अगर फरीदाबाद के सटे गांव की बात करें तो लगभग कितने एकड़ में यहां पर गेहूं की फसल है? नहीं, ज़्यादा करीब ये समझो कि यहां पे अब फिलहाल 92-95% जो है गेहूँ की फसल है और वो करीब करीब पकने की ताकत उस पर है। अगर समय से मशीन नहीं पहुंचती है, मजदूर नहीं मिलते हैं, तो किस तरह की चिंताएं बढ़ जाएंगी फिर यहाँ पर? नहीं, चिंता तो अब ये तो देश के साथ चलना पड़ेगा किसान को भी, लेकिन चिंता तो मतलब ये है कि चेहरे पे अब चिंता का विषय तो हो गया किसान के, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भाई काफ़ी मशीनें वगैरह बॉर्डर से निकालनी शुरू कर दी हैं पंजाब से।